आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरों की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहली खबर से तो राजस्थान में कोरोना के आज 5 केस, राजधानी जयपुर में 3 और अलवर और नागौर में मिला है 1 केस। राजस्थान में जो है आज कोरोना के 5 नए मरीज मिले हैं, राजधानी जयपुर में 3 जबकि नागौर अलवर में 1-1 मरीज जो है मिला है। राजधानी में अब जो है एक्टिव केसों की संख्या 25 हो गई है। राजस्थान में अच्छी बात यह है कि अब तक यहाँ पर हुई जीनोम सीक्वेंसिंग में कोई भी नया वेरिएंट जो है राजस्थान के अंदर कोरोना का जो है नया जो वेरिएंट जो है फिलहाल राजस्थान में नहीं मिला है। जो पुराने वेरिएंट चल रहे हैं उनके ही मामले जो है राजस्थान में देखने को मिल रहे हैं। वही मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी जयपुर में कुल 143 सैंपल की जांच यहाँ पर की गई जिनमें 3 पॉजिटिव निकले। वही पूरे राजस्थान की स्थिति देखे तो 257 सैंपल की जांच की गई जिसमें पहले रविवार को 782 जो है यहाँ पर 82 जो मतलब मरीजों की जांच जो है वो की गई, उनमें 11 लोग जो है संक्रमित मिले। वही देश में कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए राज्य के अंदर जो है प्रदेश के सभी जो है मेडिकल कॉलेजों हॉस्पिटल संचालकों को अलर्ट जो है जारी किया गया। इसके तहत तमाम जो व्यवस्थाएं जो है पुख्ता करने की और दवाई और ऑक्सीजन का स्टॉक रखने का निर्देश दिया गया है। साथ ही लक्षण दिखने वाले हर मरीज की जांच करवाने के लिए भी कहा गया है। SMS मेडिकल कॉलेज में पिछले दिनों आए पॉजिटिव सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच भी करवाई गई। इस जांच में किसी का भी सैंपल जो है नया वेरिएंट नहीं इसमें मिला है। वही कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी के हेड जो है उन्होंने यहाँ पर कहा है कि अब तक जितने भी सैंपल आए हैं उसमें यहाँ पर जयपुर से मिले हैं उनमें सभी में जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई गई है, जिसमें किसी में भी जो है ओमिक्रॉन के पुराने वेरिएंट सभी में मिले हैं, नया वेरिएंट जो है किसी में भी जो है वो नहीं मिला है। बात अब कहते हैं अगली खबर की तो नए साल में राजस्थान के टीचर्स को मिल सकता है बड़ा तोहफा, बजराज सरकार कर रही है तैयारी। राजस्थान का शिक्षा विभाग नए साल में यहाँ पर बेरोजगार शिक्षकों और छात्रों को खुशखबरी देने की तैयारी कर रहा है। दरअसल वर्षों से पेंडिंग चल रहे कार्य को पूरा करने का प्लान जो है विभाग ने तैयार किया है। वहीं 100 दिनों की कार्य योजना में जो है इसे शामिल कर सरकार को भेज दिया गया है। इसके तहत विभाग 1 महीने में शिक्षकों का तबादला नीति को ड्राफ्ट यहाँ पर जो का ड्राफ्ट जो है वो तैयार करेगी। वही तबादला नीति ड्राफ्ट अगर तय अवधि में तैयार होता है तो 5 साल से इंतजार कर रहे थे श्रेणी के जो शिक्षक जो है उनके तबादले जो है वो हो सकेंगे। वही पिछली बार साल 2018 में भाजपा सरकार में 33 श्रेणी शिक्षकों के तबादले हुए थे। वही कांग्रेस सरकार में तबादला नीति का ड्राफ्ट जो है वो तैयार नहीं हो पाया था। इसके कारण 5 साल तक करीब 3,33,000 श्रेणी शिक्षक जो है तबादलों का इंतजार करते रह गए। वह इसके अलावा शिक्षा विभाग ने सेवा नियमों में संशोधन कर बीते 3 सत्रों से रुकी गई 17,782 पदों पर DPC भी यहाँ पर 100 दिन पूरा करने का तैयार जो है उन्होंने यहाँ पर प्लान किया है। वही बता दें आपको कि इन पदों पर DPC जो है होने के बाद शेष पदों पर जो है करीब 30,000 शिक्षकों को DPC जो है हो सकेगी। इससे स्कूल में शिक्षकों की कमी को पूरा किया जा सकेगा। वही कार्य योजना के अनुसार 90 दिन में शिक्षा विभाग की ओर से 12,484 पदों पर प्रक्रियाधीन जो भर्तियां जो है उनको पूरा किया जाएगा। इसके अलावा विभाग में खाली पड़े पदों पर 30 दिन के अंदर जो है गिना कर मांग प्रस्तुत की जाएगी। वही विभाग 100 दिनों में अधिशेष शिक्षकों का समायोजन कर रिक्त पदों को भरेगा।